भारतीय टीम के पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी अगले आईपीएल सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ देंगे। बांगर के मुताबिक धोनी की टीम की कप्तानी फॉफ डुप्लेसी को सौंप देंगे। इसके बाद वे टीम में बतौर खिलाड़ी खेलते रहेंगे। आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स पहली बार 13वें सीजन में फ्लॉप साबित रही। टीम पहली बार प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच सकी, जबकि टीम की कमान भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तान धोनी के हाथों में थी। धोनी का परफॉर्मेंस भी काफी खास नहीं रहा। बांगर ने स्पोर्ट्स शो में कहा, धोनी ने 2011 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम की कप्तानी छोड़ने का मन बना लिया था। उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल दौर को देखते हुए उन्होंने सही समय पर फैसला लिया और विराट कोहली को कप्तानी सौंप दी। इसके बाद भी वे खेलते रहे। टीम के पूर्व बैटिंग कोच ने कहा, मुझे महसूस हो रहा है कि आईपीएल में भी वे ऐसा ही करेंगे और फॉफ डुप्लेसी को कमान सौंप देंगे, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने डुप्लेसी के अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आ रहा है। साथ ही टीम ने ऐसे भी खिलाड़ी को रिलीज नहीं करना चाहेगी जिसे कप्तानी की काबिलियत ना हो। आईपीएल के 13वें सीजन में धोनी ने अपने आखिरी मैच में टॉस के दौरान स्पष्ट कर दिया था कि वे लीग में रिटायरमेंट नहीं लेंगे। किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ टॉस के दौरान कमेंट्रेटर डैनी मॉरिसन ने धोनी से पूछा था क्या कि वह आईपीएल में उनका येलो जर्सी आखिरी मैच है। इस पर धोनी ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं।